अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू थर्सडे ब्यूटी। सो आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ वाटर के बेनिफिट्स और इसके यूजेस बताऊंगी कि रोज़ वाटर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्यूटी, आप रोज़ वाटर को कैसे यूज़ करके खुद को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ वाटर घर पर बनाएं तो मैं आपको अपनी लास्ट थर्सडे वाली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहला यूज है कि रोज वाटर रिड्यूसेस आई पफिनेस। कि आप अगर रोज वाटर को कॉटन पैड के ऊपर स्प्रे करके लगाएं अपने आईज पर, अपने अंडर आई पे और अपने आईलिड्स पर, तो आपकी आईज की पफिनेस दूर होगी। उसके अलावा आप रोज वाटर को एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपल कि आपने बस स्प्रे बॉटल में रोज वाटर डाल के उसको अपने चेहरे पर स्प्रे करना है। सो आप उसको एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्किन पे कुछ किसी किस्म की इरिटेशन होती है तो भी आप रोज़ वाटर का स्प्रे अपने चेहरे पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ वाटर को अपनी डिवाइन बाथ में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करें और उससे आप बाथ लें तो आप सारा दिन फ्रेश फील करेंगे और अच्छे से महकेंगे। इसके अलावा रोज़ वाटर जो है एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ हो सकता है। क्या करना है कि आपने रोज़ वाटर और कोकोनट ऑयल को एक जितना लेना है 1:1 उनको मिक्स करना है और अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं आप। इसके अलावा मेकअप की बात हो रही है तो रोज़ वाटर जो है एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ होता है। आपको क्या करना है कि मेकअप करके अपने चेहरे पर रोज़ वाटर स्प्रे करना है तो वो एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की शाइनी हों तो आपने क्या करना है कि ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को लेकर उनको अच्छे से मिक्स करना है और अपने बालों के ऊपर, बालों पर या अपने स्कैल्प में उसको लगाएं और उसके बाद आधे घंटे बाद आप अपने हेयर वॉश कर लें। सो आपके बाल सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। रोज़ वाटर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मस्कारा सेवियर। कि अगर आपका मस्कारा सूख गया है तो आप क्या करें, कुछ ड्रॉप्स उसके रोज़ वाटर के डालें मस्कारा में, अच्छे से शेक करें और आपका ब्रांड न्यू मस्कारा तैयार है बिल्कुल ठीक ठाक। इसके अलावा आप जो एक्ने मार्क्स हैं वो भी आप इस रोज़ वाटर के ज़रिए से हटा सकते हैं। और आखिरी बेनिफिट इसका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वैसे तो और भी बहुत से हैं लेकिन जो आखिरी बेनिफिट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है कि रोज़ वाटर जो है टैनिंग रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इस तरह से कि आप रोज़ वाटर और बेसन और लेमन को मिक्स करें, उसको अपने चेहरे पर लगाएं या जहाँ आपको टैनिंग हुई है वहाँ लगाएं तो आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू योर चैनल बाय टर्निंग द रेड सब्सक्राइब बटन ब्लैक, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे पहले चैनल नास आर्ट गाला को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको इन टिप्स की जरूरत है या जिनको ब्यूटी टिप्स पसंद होती हैं या वो ब्यूटी टिप्स यूज करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।